हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग मैं हूं आपकी अपनी नैन्सी मैम हिंदी सब्जेक्ट के साथ तो बच्चों जल्दी से सहज हिंदी की रचना की जो बुक है वो आप ओपन करो आज हम लोग जो रह गया है जो छूट गया है चैप्टर्स आज हम लोग उसको पहले क्लियर करेंगे ठीक है तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे वर्कशीट वन फॉर फोर्टीन क्या है बड़ी की मात्रा और ये है बड़ी की मात्रा का साइन ठीक है ये है सिंबल क्या है बड़ी की मात्रा का ठीक है तो यहां पर आपको क्या करना है डब्ल्यू लगानी है बड़ी बड़ी सी डब्ल्यू आज की डेट क्या है वन एट एटीन एट ट्वेंटी ट्वेंटी ठीक है अभी तक आपने आ का मात्रा और छोटी की मात्रा आपने पढ़ चुका है तो कैसे उपयुक्त सब चुनकर चित्रों के नीचे लिखना है यह आप पढ़ रहे थे ठीक है तो आपके ये लास्ट चैप्टर है क्योंकि बड़ी की मात्रा तक ही एग्जाम में आएंगे ठीक उसके बाद जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे ठीक है तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं ठीक है ये क्या है उपयुक्त शब्द चुनकर चित्रों के नीचे लिखो अब उपयुक्त शब्द इसमें जो सही है वो शब्द उन्हीं के चित्र के नीचे में लिखनी है आपको ठीक है तो पहला क्या है ये मैं सारे यहां से यहां तक जो भी आपके ऑप्शन में दिए हैं ये मैं रीड कर दे रही हूं ठीक है ग है में आ का मात्रा अड़ा अड़ा में बड़ी की मात्रा गाड़ी लंबा है आवाज गाड़ी ह आ का मात्रा थ बड़ी की मात्रा हां मुंह खोल रहे हो थी लंबा हा थी ठीक है तापे छोटी की मात्रा त लापे बड़ी की मात्रा तितली, तित्त तित, पहले से बोल रहे हो तित्त यानी कि इस मात्रा पर आप क्या कर रहे हो आप ज्यादा स्वर को आप नहीं खींच रहे हो ठीक है इसका प्रोनाउंसिएशन क्या कर रहे हो आप बहुत सही से कर रहे हो ठीक है इसकी उच्चारण क्या है बहुत जल्दी हो जा रही है तित्त ली लंबा इस पर आप जो भी आप देख रहे हो सब में गाड़ी हाथी तितली इस पर आप नहीं रुके हो किस पर रुक रहे हो इसको खींच रहे हो तितली, बकरी का बक रापे बड़ी की मात्रा बकरी ई माँ और लापे बड़ी है क्या है ये वाली ई है इसमें बड़ी यहाँ नहीं है ये छोटी ई है इमली ठीक क माँ पे बड़ी की मात्रा ज कमीज कमी देखे माँ पे आप कैसे आप उसके उच्चारण को बहुत लंबा खींच रहे हो उच्चारण कर रहे हो ना कमीज कमीज नहीं बोल रहे कमीज मचा लापे बड़ी मछली मछली अड़ा कापे बड़ी लड़की बोल दिए अब आप फोटो देखो ठीक है ये कौन सी है ये प्यारी सी गुड़िया बिल्कुल आपकी तरह है है ना ये लड़की है प्यारी सी लड़की है तो ला है यहां पर नहीं ला नहीं ला नहीं ला नहीं ला नहीं ला नहीं ल मिल गई अड़ा की, लड़की तो कट करके यहां पर लिखना है बड़ा बड़ा ला, अड़ा ठीक है कापे बड़ी क्या हो गया लड़की अब ये क्या है ये इसके लंबे लंबे ट्रंक यानी कि सूर है ठीक है यहां इसका नाक देखो कितनी लंबी है है ना ये हाथी थी है अब हा आपको खोजनी पड़ेगी तो आपकी हा कहा है ये आपकी हा है नहीं यहां पर हा है तो इसको पढ़ के देखो हा थी ये मिल गई इसको भी कट करो यहां पर लिखो हा थी हो गया हाथी थी अब ये तो आप जानते हो बटरफ्लाई को तो बटरफ्लाई क्या है आपकी तितली ता ये है ये हो चुकी है यहाँ पे खोजू मिल गई तितली मिल गई यहीं पर तितली अब कटिंग कर करके इसको ती -ता ली बड़ी बड़ी लिखना है तितली हो गया अब ये क्या है ये है कमीज यानी कि शर्ट अब क यहां पर है नहीं ये हो चुके ये हो चुके क है नहीं ये भी का यहां नहीं है यहां पर मिल गई का मीज़ का... मीज, कमीज यहां मिल गई इसको कट करो यहां लिखो का माँ पे ई का मात्रा जा कमीज ऊपर से लाइन भी करनी है ठीक है ऊपर की लाइन पूरे ओवर हो चुके हैं नीचे देखूं ठीक है अब ये क्या है आपको फिश फिश को हिंदी में क्या बोलते हैं मछली अब यहाँ ढूंढू हम लोग ये माँ नहीं है ये हो चुकी है यहां मां नहीं यहां भी नहीं ये भी हो चुकी है यहां पे मां मिल गई मां छाला में बड़ी की मात्रा क्या हो गया मछली इसको कट करना है और मछली के नीचे में मछली लिखना है ला में बड़ी मछली हो गया ना अब क्या करना है ये है बकरी बकरी तो फोटो देख के आप जानते हो यहाँ पे ब है नहीं ये हो चुकी है बकरी बकरी मिल गई यहीं पर आपको कट करना है उसके बाद लिखना है ब ड्रा में बड़ी ई बकरी ठीक है अब ये तो आप जानते हो मुंह में खट्टा खट्टा सा लग जाता है इसको करते ही आपके मुंह में पानी आ जाती है ये क्या है ये है इमली ये क्या है इमली ये है इमली नहीं यहाँ पे ई नहीं है ये भी ई नहीं है हो चुकी है हो चुकी है यहाँ पे मिल गई मुझको इमली तो ये क्या है आपके इमली तो इसको कट करना है छोटी ई हो गया ई माँ ठीक है और उसके बाद क्या है बड़ी की मात्रा पे हो गया इमली अब एक ही बची हुई है यहां पर आपको एक ही बची है बाकी तो सारे कट हो चुके हैं ये देखो सारे कट हो चुके हैं ऊपर के एक ही बची है एक ही फोटो बची तो इसको इसमें उतार देना है इसको भी कट करके गाड़ी ठीक है हो गए तो ये आपके पेज नंबर कितने थे वन सेवन सेवनटीन में आप कर रहे थे ठीक है कौन सा वर्कशीट में जो कार्यपत्रक है वन फोर फोर्टीन से ठीक है अब क्या है नीचे देखू यहां पर भी आपको कॉर्नर में सी डब्ल्यू लगाना है वन एट एटीन एट ट्वेंटी ट्वेंटी ये दोनों आपके हमेशा एज यूजल आपके होमवर्क रहेंगे ठीक है वन एट एटीन एट ट्वेंटी ट्वेंटी ये दोनों आपके होमवर्क है ठीक है ये मैं आपको बता दे रही हूं कल आप क्या पढ़े थे छोटी ई तो छोटी की मात्रा आप बाहर से लगा रहे थे ये वाले हाथ जो आपके है लेफ्ट हैंड है ऐसे कर रहे थे अब इससे पेंसिल पकड़ी हो तो आपको क्या करनी है ऐसे करनी है ठीक है इधर से करनी है तो आपको पता है कि बड़ी की मात्रा कौन सी लगती है यहाँ पर आप देखो बड़ी ई की मात्रा साइन इधर से होती है ठीक है सबकी बाहर से अंदर से होती है ठीक है छोटी ई की मात्रा बाहर से होती है इसको अंदर से किया जाता है यानी कि कोई भी अक्षर के अंदर से उसके बाद में करोगे ठीक है दिख रहा है तो बड़ी ई की मात्रा राइट हैंड जहां से पेंसिल से लिखते हो ऐसे करते हो और छोटी की मात्रा लेफ्ट हैंड से करते हो ऐसे ठीक दिखा है दिखाई दिया अब इसको हम लोग करें अब ये ना है तो ना पे बड़ी ई लग जाएगा तो यहां करना भूल जाते हो तो इसको पहले से ही आप कर लो बाद में आपको इरेज करने में इजी होगी ठीक है अब यहां से करना शुरू करें जो यहां पे रहेगी इन्हीं दोनों को करना है क्योंकि ये बड़ी ई की मात्रा बोला है लगाने के लिए ये क्या बोल रहा है मात्रा लगाने के लिए तो बड़ी ई की मात्रा के साथ इस शब्दों को यहां करना है रा पहले से लिखी थी ना नहीं लिखी हुई थी तो इस ना को मैंने यहां उतारा बड़ी ई को मैंने लगा दिया तो क्या हो गया रानी यानी कि क्वीन ठीक है अब चा था ही तो चा पे मैंने डाल दिया तो चा पे मैंने डाल दिया तो क्या हो गया ची हो गया यहां पे ची हुआ ना यही ची है फिर नी क्या हो गया चीनी यानी कि सुगर ठीक है चीनी बा पर बड़ी की मात्रा पड़ रहे हो ये रहा तो बड़ी की मात्रा क्या हो गई आपकी ये वाली साइन हो गई तो ये वाली साइन सबको लगानी थी बाप पे बड़ी की मात्रा लगा दी मैंने तो पहले से ही मैंने लगाया है तो बाकी बड़ी की मात्रा और जा क्या हो गया ये बीज क्या हो गया बीज यानी कि सीड ठीक है अब ये क्या है ना पे बड़ी की मात्रा एक साथ है है ना ना पे बड़ी की मात्रा तो एक साथ लगाना ना पे बड़ी की मात्रा नीला यानी कि ब्लू ठीक है स्काई ब्लू नीला हो गया तो जहां जहां खाली है वहीं पे रखनी है अगर खाली जगह बाद में है तो आपको बाद में करनी है। जैसे ना बाद में थी ना को बाद में डाल दी यहाँ पहले है यहाँ बाद में है यहाँ भी बाद में यहाँ बीच में है तो जहां पर भी हो पहले आपको मात्रा लगा देनी है ताकि आप भूल जाओगे ठीक है अगर एक भी मात्रा अगर भूल जाते हो तो वो रॉन्ग हो जाती है फिर बाद में सारी मात्रा को आप इरेज कर दो ठीक है मैंने इरेज कर दिया ठीक है तो ऐसे ही आप पहले क्या करो बड़ी मात्रा कर दो ताकि आप भूलो नहीं यहाँ पे कर दो यहाँ पे बड़ी मात्रा कर दो फिर यहाँ लिख लो फिर दोनों को आप बॉक्सेस में जो भी लिखी हुई है आप उसको इरेज कर दो ठीक है तो समझ में आया ये दोनों आपके होमवर्क हैं कौन से होमवर्क जो वर्कशीट फोर्टीन है और पेज नंबर क्या है वन सेवन सेवेंटी ठीक है आपको बड़ी की मात्रा तो आपको ये करनी है अच्छी तरह से फोटो देख देख करके पहचाननी है कि इमली का फोटो में इमली कैसे लिखा जाता है अगर में इधर से मात्रा है तो वो रॉन्ग है रा में बड़ी की मात्रा यहां से करना अगर इसमें बड़ी डाल दू शुरू में तो वो भी रॉन्ग है ठीक है वो गलत है आपके ये वाली इमली की स्पेलिंग सही है गाड़ी की स्पेलिंग है तो आपको सबके स्पेलिंग के साथ पिक्चर्स बहुत अच्छे से लर्न करनी है आपको ठीक है बच्चों तो हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन देखें आज ठीक है थोड़ी सी क्योंकि आप पढ़ चुके हो चैप्टर्स और आपके पास टाइम बहुत कम है आज क्या है सहज हिंदी रचना है ठीक है ये बुक कंप्लीट हो गया अब हम लोग कॉपी देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ अब आपको क्या करनी है आज की डेट लगानी है ठीक है यहां पर सी डब्ल्यू मैंने रिविजन लिखा है एमसीक्यू क्वेश्चन दिया है ठीक है मात्रा आ से क्योंकि आ हो चुकी है छोटी ई कल हो चुकी है और बड़ी ई आपने अभी पढ़ा है ठीक है अब क्या है पहला क्वेश्चन मैं रीड कर दे रही हूं उपयुक्त शब्द चुनकर चित्रों का नाम बताएं अब जो शब्द दिया गया है उसमें से चित्रों का नाम बताना है कि ये कौन से चित्र है ठीक है समझ में आया तो नंबर वन का क्वेश्चन का देखो फोटो अच्छी तरह से ये क्या है ये टब है क्या है ये टब अब टब आपको खोजनी है कि टब है कि कब है कि कन है कि क्या है पूछू पढ़ू उसको फोटो आप पहचान सकते हो तो आप पढ़ोगे तभी तो आप फोटो पहचानोगे आप देखना शुरू करें हम लोग तो ये आपके सी डब्ल्यू आपको लगानी है ठीक है तो आज हम लोग क्या लगाते हैं पहला नंबर पढ़ते हैं ऑप्शन में टन टन ये नहीं है बी नंबर में टब तब। टब ठीक है टब तब टब है तो इसी को हमको टिक करनी है बस चित्र बनानी है तो आपको टिक कर देनी है हो गया आंसर सही ठीक है कहीं भरना नहीं है बस नाम बताना है तो जो नाम को कैसे बताना है टिक करके बताना है ठीक है कब आ, कब तो है नहीं वन वन भी नहीं है वन मतलब होता है जंगल कब मतलब होता है क्वेश्चन ठीक है कब वन कब टन आ, टन मतलब कुछ होती ही नहीं है टब टब होती है इसीलिए हो गया सेकेंड क्वेश्चन देखू ये क्या है छोटे से घर ये क्या है घर सेकेंड नंबर के क्वेश्चन में क्या है ये घर अब यहां पर क्या दिया है ऑप्शन ए नंबर में पर बी नंबर में नाला नल सी नंबर में घर घर और डी नंबर में नथा नथ अब आप क्या है ये आप फोटो देख के जान सकते हो ये क्या है घर अब घर देखो इसमें ये घर है नहीं नाला नल भी नहीं है घरा घर घर सी नंबर में है तो आपको मोबाइल में सी नंबर को बटन दबानी है सी नंबर बस तब आपको आंसर मिल जाएगा घर ठीक है घर नहीं लिखना सी नंबर के बटन दबा देना जैसे आप सी नंबर को देखते ही आप टिक मार रहे हो ना पेंसिल से वैसे ही जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे मैं कई बार कह रही हूं अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको सी नंबर दबाना है ए नंबर में आंसर है तो ए नंबर आपको प्रेस करनी है समझ में आई कॉपी में आपको पेंसिल से उस ऑप्शन को टिक करना है ठीक है तो यहां पर आपके क्या है मैंने एच डब्ल्यू लगाया है मैंने दो बता दिया है कि चित्रों को देख करके कैसे बताना है मैं क्वेश्चन पढ़ दे रही हूं ठीक है रीड कर दे रही हूं ताकि आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ो और अच्छी तरह से बनाओ तो ये आपके होमवर्क क्या है थ्री फोर फाइव ये रहा सिक्स सेवन एट नाइन होमवर्क है आपका टेन और अलेवन आपकी होमवर्क है ठीक है यानी कि टोटल अलेवन तक आपकी होमवर्क है मैं क्वेश्चन को रीड कर दे रही हूं क्या क्या होमवर्क है आपको ताकि दिक्कत नहीं होगा ठीक है तो यहां पर एच डब्लू एटीन एट ट्वेंटी ट्वेंटी आपको लगानी है थर्ड नंबर के क्वेश्चन को आप देख सकते हो ये एक लोटस की फोटो बनी है लोटस को हिंदी में बोलते हैं कमा ला कमल।, कमल अब माला मा ला ढूंढना म नहीं है बी नंबर में क म ल कमल मिल गई तो आपको टिक करना है ठीक है क लिखा है ह व न तो कमल की फोटो ढूंढनी है ठीक है अब ये क्या है कलश की फोटो है ना देखे हो पूजा में काम होता है फोर नंबर में इससे पूजा के लिए यूज किया जाता है ये क्या है कलश आपको खोजना है कहां पर कलश लिखा है मैं ऑप्शन पर दे रही हूं कलम कलम बी नंबर में म ट मटर सी नंबर में ह व न हवन और डी नंबर में कलश कलश जहां पर होगा आपको टिक करनी है ठीक है फोटो बहुत इजी है बहुत इजीली आप बना सकते हो ठीक है मैं आपको फोटो क्लिक करके आपको भेज दूंगी ये क्या है सलजम क्या है ये सलजम बोलो या सलगम बोलो मैंने दोनों ही बोला था ठीक है मैंने बुक्स दिया है इसीलिए मैंने सलाजम सलजम लिखा है लेकिन वो भी सही है और सला सलगम भी है बहुत जगह में सलगम हम लोग सलगम ही पढ़ते हैं बेटा लेकिन कई सारे बुक में सलजम लिखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैंने भी सलजम लिखा है ठीक है तो आपको खोजना है कहाँ पे लिखी हुई है ए नंबर में स ल जामा सलजम ये वाला श है एक बी में है स ल ग सलगम अब बोलते तो है सलगम लेकिन ये भी देखना है श से सलजम सलगम होता है जिसमें टंग आपके ऊपर की ओर होते हैं ये सला गामा सलगम से नहीं होती है ठीक है अब क्या है बारा गदा बरगद और बारा ताना बर्तन अब आपको देखना है इन दोनों सलजम और ये वाला सलगम में कौन सही है तो सला गामा सलगम ये नहीं होता ये वाली सा तो होती ही नहीं है अगर इस सा के जगह ये शाह होती तो ये भी सही होता ये भी सही होता ठीक है लेकिन ये क्या है ये वाली सब्जी वाला सा है और शलगम में सब्जी वाला सर नहीं होती है ठीक है अब ये देख रहे हो आप एक स्नेक है तो स्नेक की फोटो को क्या बोलते हैं स्नेक को क्या बोलते हैं अजगर अब यहाँ पे मैं ऑप्शन पढ़ दे रही हूं र का अदरक क ना अचकन सी नंबर में का ल कटहल डी नंबर में अजगर अब आपको देखना है अजगर कहाँ है उसको टिक करनी है उस ऑप्शन को ठीक है ये आपके फाइव फिंगर्स के फोटो है यानी कि हाथ अब हाथ हा आ, आ, आ का मात्रा है यहाँ पर अब आपको हाथ ढूंढनी है कहाँ पर है ए नंबर में क्या है क में आ का मात्रा नाक कान बी नंबर में आ मा, आम आम भी नहीं है सी नंबर में ह में आ का मात्रा था हाथ यहां मिल गया तो आपको टिक करनी है ना में आ का मात्रा का नाक ठीक है एट नंबर में क्या है ये लॉक लॉक यानी कि ताला अब यहां पर बहुत सारे ऑप्शन हैं ठीक है थीके? इसी से रिलेटेड ए नंबर में बा में आ का मात्रा ला में आ का मात्रा बाला ठीक है यानी कि बैंगल वो नहीं है बी नंबर में मा में आ का मात्रा ला में आ का मात्रा माला मुंह खोल के बोलो माला यानी कि नेकलेस ये भी नहीं है ठीक है सी नंबर में क्या है जा में आ का मात्रा ला में आ का मात्रा जाला यानी कि जो वेब होते हैं ना वो भी नहीं है मकड़ी का जाला जो होता है ना वो भी नहीं है डी नंबर में क्या है ता में आ का मात्रा ल में आ का मात्रा ताला यानी कि लॉक अब आपको देखना है कि ये लॉक की फोटो कहां है ताला की फोटो ठीक है अब आगे बढ़ू हम लोग यहां पर भी आपको होमवर्क है डेट लगानी है वन एट एटीन एट ट्वेंटी ट्वेंटी अब क्या है नाइन नंबर के क्वेश्चन में एक ब्यूटीफुल सा ग्लास है इंग्लिश में ग्लास बोलते हो हिंदी में गिलास बोलते हो अब स्पेलिंग आपको सोचनी है कि कौन सा गिलास सही है आप आवाज करोगे तो पता चल जाएगा गिलास अब आवाज सुनो वो फास्ट बोल रहे हो कि बहुत धीरे से बोल रहे हो गिलास अब यहाँ पता चल जाएगा ए नंबर में है गी गा में बड़ी की मात्रा ला में आ का मात्रा सा गी गिलास गिला लंबा है ये बी नंबर बा में गा में बड़ी की मात्रा ला और ये ये वाला शाह है ठीक है सस्टकोन वाला सा तो ये भी गा में बड़ी यानी कि लंबा आवाज है गी लाश तो अब ये है अब ये देखो सी नंबर में गा में छोटी की मात्रा, उसको फास्ट बोलते है, ला में आ का मात्रा और विमान आप आप में, में मा में, में मा अब आपको देखना है कि ये फोटो किस चीज की है और इन तीनों गिलास में कौन से सही है ठीक है आवाज सुन के पता चल जाएगा गिलास आप फास्ट बोल रहे हो तो उसकी मात्रा किधर से होती है ठीक है अब क्या है चिड़िया अब ये एक बर्ड है बर्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं चिड़िया टेन नंबर के क्वेश्चन है आपको बनानी है ए नंबर है चा पे छोटी की मात्रा अड़ा पे छोटी की मात्रा या में आ का मात्रा चिड़िया ठीक है ची री -या, यानी कि चिड़िया दोनों में आप फास्ट बोल रहे हो अब ये चिड़िया की फोटो कि किसकी फोटो है? आप देख लो ठीक है बी नंबर में प हा में छोटी की मात्रा या पहिया अब पहिया की फोटो है सी नंबर में व में छोटी की मात्रा मा में आ का मात्रा ना विमान ये विमान की तरह उड़ जाती है उनका फोटो है या डी नंबर गा में की मात्रा ला में आ का मात्रा सा गिलास अब कौन सा मात्रा सही है कौन सा आपके सही है ये फोटो आपको उसमें टिक करनी है ठीक है ये क्या है आपको इलेवन नंबर में इमली की फोटो आपको पता है दिख रही है अब इसमें इमली देखना है कि कौन सी इमली की स्पेलिंग सही है ए नंबर में बड़ी ई है मां लामे बड़ी ही है दोनों में बड़ी ही ही है इमली इमली ठीक है आप देखो कौन सा है ये छोटी है माँ है लेकिन लापे छोटी की मात्रा है ये भी छोटी ये भी छोटी यानी इमली इमली इसको फास्ट बोलते हैं इमली ये इमली है या सी नंबर में ता में बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा त पे बड़ी की मात्रा तितली तो देख रहे हो तित ये वाली तित को छोटी को बहुत फास्ट बोल रहे हो तित ली में बड़ी बोल रहे हो ली अब डी नंबर में है इमली इसको छोटा बोले इसको बड़ा बोले इमली आप कौन सा सही है इनमें आपको टिक करना है ठीक है तो ये आपके क्या है इलेवन तक के आपके होमवर्क हैं समझ में आया बच्चों तो एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़े हो यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो मात्रा आप पढ़ चुके हो आ की मात्रा ई की मात्रा और बड़ी की मात्रा तो हमने वहीं से क्वेश्चन दिया है उपयुक्त सब चुनकर चित्रों का नाम बताना है तो सही सही आपको किताब से जो आपके बुक्स हैं सहज हिंदी के बुक्स उसमें से आपको अच्छी तरह से चैप्टर्स पढ़ना है अच्छी तरह से चित्र को पहचान पहचान के बुक पढ़ना है विद स्पेलिंग के साथ सही, सही और मैंने इतने सारे ऐसे क्यों कर दिए हैं कि आपको क्वेश्चन में कभी कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं ठीक है बच्चों तो इसके अलावा भी हो सकता है को, कोई क्वेश्चन आ सकते हैं आप देख लेना ठीक है तो आप अच्छा से करना बच्चों किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको ठीक है बच्चों तो आज के लिए इतना ही ओके बच्चों Bye.